डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, क्लास 10th में हम लोग ब्रीथ नामक एक चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 को पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक के पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। आपको हिंट्स के तौर पर बताए होंगे कि इस 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में बनता है। इसमें हीरोन का सूत्र वगैरह फार्मूला लगता है। सबसे पहले इसका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले एक वृत्त है और वृत्त के परिगत में एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है मतलब त्रिभुज है। उस त्रिभुज का बिल्कुल फिगर जैसा स्ट्रक्चर बना लेना है, जैसे फिगर में दिया हुआ है। अच्छा, वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ पे ओ दे देंगे। फिर इसकी यहाँ सी है, ये ए है, ये बी है और यहाँ तक के डी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है। ये फिगर है हम लोगों का। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिसमें स्पर्श बिंदु क्या है, D है, और BD दिया हुआ है और CD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आकृति देखने के लिए बोल रहा है 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हम लोगों को दिया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या किसको कहते हैं, तो केंद्र से लेकर इसकी दूरी हो गई 4। वैसे ही अगर इसको मिलाएंगे तो ए भी हो जाएगा 4, यानी कि सब दूरियां त्रिज्या तो बराबर होती है, ए भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर और BD का दिया है 8 सेंटीमीटर, CD दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BD दिया हुआ है, CD दिया है, हमको निकालना क्या क्या है। भुजाएं AB तथा AC ज्ञात कीजिए, यानी कि AB निकालना है वाट और AC निकालना है वाट। ठीक है, AB और AC हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों को AB और AC निकालना है। कुल मिलाकर हम लोग अगर देखना चाहें यहाँ पे, तो AB का मतलब क्या हुआ, AB का मतलब हुआ, इसका नाम खुद से रख देते हैं P और Q। ठीक है, तो AB कब निकलेगा, जब AQ को BQ के साथ ऐड करेंगे। AC कब निकलेगा, जब AP और PC को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमको AB निकालना है और AC निकालना है। सबसे पहले AB और AC निकालने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है, सबसे पहले आपको AQ को x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि माना कि AQ बराबर कितना सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि वृत्त की जो बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा होता है उसकी लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ लिखे जाए प्रमेय 10.2 से, हम लोग प्रूफ भी किए हैं प्रमेय को कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो इस बी बिंदु से देखा जाए तो BD और BQ क्या होंगे, BD बराबर BQ। क्यों, क्योंकि बिंदु बी से ये BD का डिस्टेंस और BQ दोनों बराबर होगा, यानी कि 8 है तो ये भी 8 होगा, यानी कि इसलिए BQ का वैल्यू भी 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद CP का वैल्यू CD के बराबर होगा, और करके लिखेंगे CP का वैल्यू CD के बराबर होगा।
सीपी का वैल्यू सीडी के बराबर होगा, कौन सा बिंदु से, तो बिंदु सी से। ठीक है, आप सी बिंदु से देखिए तो सीपी का दूरी सीडी के दूरी के बराबर होगा, यानी कि सीडी 6 है तो सीपी भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है लंबाइयाँ उसकी बराबर होती है। इसलिए हम बोलेंगे कि सीडी का तो वैल्यू दिया था 6, इसलिए सीपी भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, और एक और बात यहाँ से निकाल सकते हैं, बिंदु ए से एपी का वैल्यू एक्यू के बराबर होगा, एपी का वैल्यू एक्यू के बराबर होगा, कौन सा बिंदु से, बिंदु ए से। तो हम एक्यू को क्या माने हैं, एक्स, एक्यू को हम यहाँ से यहाँ तक माने हैं एक्स, तो ए भी कितना हो जाएगा, एक्स। ठीक है, इसलिए एपी का भी वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, एक बात बताइए आप, कि हम लोगों को टोटल भुजा निकालना है, ए बी का मान निकालना है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी का मान कब निकालेंगे, तो ए बी का मतलब ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक के डिस्टेंस, तो 8 और एक्स को ऐड कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा, यानी कि ए बी का वैल्यू हो जाएगा 8 + x। और ए सी निकालना है, ए सी कैसे निकलेगा, तो 6 को और एक्स को दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा ए सी निकल जाएगा, ए सी बराबर 6 + x। ठीक है, जब ए सी हमको यहाँ दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, और हम लोग एक और बात कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम सी बी चाहे बी सी निकालना चाहें तो बी सी भुजा क्या होगा, तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 8 है, टोटल बी सी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी और बी सी त्रिभुज के भुजा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग त्रिभुज में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि त्रिभुज का अगर बात करें तो ये वाला जो केंद्र है, यानी कि OD से जब हम इसको मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा ये, और दूसरा त्रिभुज बनेगा ये, यानी कि इसमें टोटल अगर बात किया जाए तो हम लोगों का अलग अलग यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला O केंद्र है, अब इस केंद्र से हम लोग A को B को और C को मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक रचना करना पड़ता है। इसके बाद याद रखिएगा, रचना, रचना में क्या करते हैं, केंद्र केंद्र O से बिंदु A, B, C को मिलाया। ठीक है, यानी कि केंद्र O जो है उससे A को भी मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है, फिर B को मिलाएंगे और फिर C को मिलाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, तो जब हम इसको मिलाएं तो हमको 3 त्रिभुज में बटा, एक त्रिभुज बचा बटा OAB और एक बचा OAC, तो ABC को मिलाया। तो ABC को मिलाने से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कई तरह का त्रिभुज बन रहे हैं, OAB एक त्रिभुज बन रहा है, OAC त्रिभुज बन रहा है, COB त्रिभुज बन रहा है। अब तीनों त्रिभुज का आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखिए, त्रिभुज कौन सा, OAB का क्षेत्रफल, AOB बोलिए चाहे OAB बोलिए, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला, हाफ गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार कितना होगा, AOB का, AOB का आधार हो गया AB, AB गुने इसका ऊंचाई, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई हो गया OQ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा OQ। अब यहाँ से 1/2 गुने AB कितना है, AB हम लोगों का हो गया 8 + x, तो यहाँ रख दीजिएगा 8 + x, और गुना
ओ क्यू कितना होगा? तो ओ क्यू होगा ऊंचाई हम लोगों का 4, क्योंकि त्रिज्या हमेशा बराबर होती है वृत्त की। तो ये जब त्रिज्या 4 है तो ओ क्यू हो जाएगा 4। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो ये हो जाएगा 8 दुना का 16 प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे, 16 प्लस 2x। उसी तरीके से जैसे त्रिभुज ए ओ बी निकाले हैं, आप ए ओ सी निकालिएगा। तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो इसमें भी चलेगा वही 1/2 × आधार × ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 × आधार यहाँ क्या हो जाएगा ए ओ सी में? ए ओ सी में आधार हो जाएगा हम लोगों का एस सी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एस सी। ऊंचाई इसका कितना होगा? तो इसका ऊंचाई होगा ओ पी। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा ओ पी। 1/2 × ए सी कितना होगा? ए सी देख पा रहे होंगे कि 6 प्लस x, 6 प्लस x, और गुने ऊंचाई तो आप देख पा रहे होंगे ओ पी। ओ पी कितना आया? ओ पी भी हमेशा 4 होगा, तो ये भी 4। और 2 से 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 6 दुना का 12 प्लस 2x। अब की बार निकालिएगा त्रिभुज नीचे वाला सी ओ बी या फिर बी ओ सी। तो लिखिए त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो 1/2 × यहाँ आधार कितना होगा? आधार हो जाएगा बी सी और ऊंचाई होगा ओ डी, बी ओ सी के त्रिभुज में। तो यहाँ BC हो गया आधार, तो लिखेंगे BC × OD। अब यहाँ पे 1/2 × BC कितना है? BC देख पा रहे होंगे 6 और 8 को जोड़िए, तो BC हो जाएगा टोटल 14, 14 × OD कितना हो जाएगा? OD हो जाएगा हम लोगों का 4। तो 2 से 2 बार में कटेगा और 14 दुना का 28। तो कुल मिलाकर तीनों त्रिभुज निकल गया। अब आप क्या कीजिए, अब करना क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो चलिए हम अब लोग सीखते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चूंकि हम लोग AOB निकाल लिए ये वाला पार्ट, फिर निकाले AOC ये वाला पार्ट, फिर BOC ये वाला पार्ट, तीनों अलग अलग पार्ट्स निकाल लिए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज ABC में चलेंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB भुजा देख लीजिए क्या है, BC क्या है और CA क्या है, तीनों को मिला लेंगे। तो AB कितना है हम लोगों का? तो A से लेकर B तक की दूरी है 8 प्लस x, B से लेकर C तक की दूरी है 14 और C से लेकर A तक की दूरी है 6 प्लस x। तो AB है हम लोगों का 8 प्लस x, BC है 14 और CA है 6 प्लस x। अब यहाँ से जब हम लोग हिरोन का सूत्र लगाते हैं, उसके पहले एस निकालते हैं। तो एस फार्मूला का कैसे होता है? तो एस फार्मूला का होता है कि तीनों भुजा को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना होता है। तो AB प्लस BC प्लस CA बटे में 2, एस निकालने के लिए ही ना फार्मूला होता है। ABC को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना है, तो तीनों भुजा को जोड़िए। तो एगो है 8 प्लस x, एगो है 14, एगो है 6 प्लस x, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 8 और 14 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 22, और 22 और 6 हो जाएगा 28 और प्लस में 2x/2। अब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, तो 14 प्लस एक्स होगा और बटे में 2, 2 से कैंसिल होगा, तो s का मान आ गया 14 प्लस x। याद रखिएगा ये हो जाएगा हम लोगों का एस। और ए बी को मान लेना है ए, ये पहली भुजा हो गया, फिर दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी। अब हम लोग हिरोन सूत्र से क्या करेंगे? हिरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? √
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में सी, इसको लिखेंगे रूट। एस का मतलब वैल्यू कितना है तो 14 प्लस एक्स, और ब्रैकेट एस का वैल्यू है 14 प्लस में एक्स, और माइनस ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स है लेकिन इस माइनस में करना है, तो ई भी माइनस में हो जाएगा और ई भी माइनस में होगा क्योंकि ए के आगे माइनस है, यानी कि ए के आगे माइनस करेंगे तो माइनस 8 के साथ भी होगा और एक्स के साथ भी, तो माइनस 8 माइनस एक्स। फिर चलिए एस माइनस बी कीजिए, तो एस कितना है 14 प्लस एक्स, और माइनस बी करना है तो बी कितना है 14, फिर करना है एस माइनस सी, तो एस का वैल्यू है 14 प्लस एक्स और माइनस सी, सी माइनस में करना है यानी कि इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस, यानी कि माइनस 6 माइनस एक्स। तो अब हम लोगों को कैसा मिल रहा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे मिल रहा होगा रूट, रूट यहाँ तो 14 प्लस में एक्स इंटू एक्स और एक्स कट गया तो 14 में से 8 गया कितना बचा 6 गुना 14 और 14 इस बार कट रहा है क्या बच रहा है x इंटू इस बार x और माइनस एक्स कट रहा है और 14 में से 6 गया तो कितना बच रहा है 8, तो रूट अंडर कितना बच रहा है ध्यान दीजिएगा हीरोन सूत्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, एबीसी का क्षेत्रफल आया हम लोगों का रूट अंडर में 8 को 6 से गुना कीजिए तो 8 छक 48 एक्स, रूट अंडर 48 एक्स और ब्रैकेट में कर दीजिएगा कितना 14 प्लस में एक्स, 48 एक्स तो हो गया और 14 प्लस में एक्स, ये हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब चित्र से चलिए, चित्र से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ए ओ बी जिसको कलर कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा ए ओ बी इतना है ए ओ बी और ए ओ सी यानी कि इतना देख रहे हैं ए ओ बी ए ओ सी और बी ओ सी को तीनों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा हम लोगों को पता चल जाएगा ए बी सी, तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए ओ बी ए ओ सी और बी ओ सी के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस ए ओ सी हो गया बी ओ सी हो गया ए ओ सी बी ओ सी और ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी कि प्लस में कर देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब देखिए तो इधर ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पे सी छूट गया था, ए बी सी का क्षेत्रफल आया है रूट अंडर में 48 एक्स ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स बराबर ए ओ सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम लोग पहले निकाले हैं ना ए ओ सी का क्षेत्रफल 12 प्लस 2x, तो यहाँ रखेंगे 12 प्लस 2x, फिर प्लस बी ओ सी का क्षेत्रफल, तो बी ओ सी का कितना आया है 28, तो इसके जगह पे 28 लिख देंगे, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल 16 प्लस 2x, तो यहाँ लिख देंगे 16 प्लस 2x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 48x गुने 14 प्लस एक्स बराबर एक्स वाला को एक साथ जोड़िए तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और प्लस 28 और 12 कितना होता है तो 40, 40 और 16 कितना होता है 56, ठीक है, इधर स्क्वायर रूट है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर में बन जाएगा, यानी कि 48x गुना में 14 प्लस में एक्स बराबर यहाँ बन जाएगा 4x प्लस 56, ठीक है 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा इसको इसको बारी बारी से गुना कर लीजिएगा
तो 48 को 14 से गुना करेंगे जितना आएगा, यानी सबसे पहले क्या करना है, 48 एक्स को 14 से गुना करना है, 48 एक्स गुने में 14, यानी इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ जो आएगा फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 56 का स्क्वायर जितना आएगा, और प्लस में 2ab, यानी कि इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फिर सबको जो है बाएं तरफ ले जाना है, और बाएं तरफ ले आएंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण से आप a का मान निकाल लीजिएगा, b का मान निकाल लीजिएगा, c का मान निकाल लीजिएगा, और फिर d का मान होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका यूज करके डी निकल जाएगा, और डी निकल जाएगा तो एक्स का मान निकाल लीजिएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। अब इसका यूज करके आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा तो एक्स का मान दुगो आएगा, एगो माइनस में आएगा और एगो प्लस में आएगा, तो जो माइनस में आएगा वो हम लोगों का गलत हो जाएगा, और प्लस में जो आएगा वो 7 आएगा, ध्यान दीजिएगा एक्स का मान कितना आएगा 7। जरा अच्छा से कीजिएगा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 48x को x से कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 48x स्क्वायर, और जितना इधर है तो सबको बाएं साइड लाइएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 16x स्क्वायर है तो बाएं तरफ आएंगे तो माइनस 16x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव कर लीजिएगा, तो ए बी सी निकाल कर डी निकाल लीजिएगा, फिर एक्स का फार्मूला लगा दीजिएगा, तो एक्स का दो गो वैल्यू आता है, एगो माइनस में आएगा एगो प्लस में आएगा, तो माइनस वाला आंसर नहीं करना है, प्लस वाला करना है, तो इसलिए पता चल जाएगा कि एक्स का मान कितना निकल गया 7। जब एक्स का वैल्यू निकल गया 7, तब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए बी निकालिए और ए सी निकालिए, तो ए बी निकाल दीजिएगा, ए बी निकालने के लिए एक्स का वैल्यू 7 आ गया तो यहाँ भी 7 होगा, तो ए बी का आंसर हो जाएगा 8 में 7 जोड़ दीजिएगा, तो फिर लास्ट में लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर में 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस 7 बराबर में 15 आंसर, और एसी भी निकालने के लिए कह रहा है एसी, तो एसी निकालने के लिए मतलब ए से लेकर सी तक के, तो 6 और एक्स को जोड़ते हैं तो 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस में 7 यानी कि 13 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आंसर इसका आएगा 15 और 13, क्वेश्चन में ए बी और ए सी का बोल रहा था तो ए गो के 15 आएगा, ए गो को 13 आएगा, लेकिन आप जो यहाँ एक्स का निकालिएगा तो ए गो जो है से कि 7 आएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा एक्स का वैल्यू 7 आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपका कैलकुलेशन कहीं गलत है, आपको फिर से रीचेक करना है। तो आपको यहाँ पे छोड़े हुए बनाने के लिए आप इसको एक्स का वैल्यू सही से निकालिए, क्योंकि हम द्विघात समीकरण आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले दिन प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।